नमस्कार, मैं प्रिया। आज 10 जुलाई, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 14,000 के करीब। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट तक 704 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 13,978 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे अधिक पटना में 132, अररिया में 8, अरवल में 5, औरंगाबाद में 7, बांका में 20, बेगूसराय में 44, भागलपुर में 63, भोजपुर में 2, बक्सर में 11, दरभंगा में 4, गया में 10, गोपालगंज में 17, जमुई में 1, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 37, किशनगंज में 8, लखीसराय में 8, मधुबनी में 8, मुंगेर में 29, मुजफ्फरपुर में 39, नालंदा में 42, नवादा में 7, पश्चिम चंपारण में 23, पूर्वी चंपारण में 11, पूर्णिया में 4, रोहतास में 19, समस्तीपुर में 19, सारण में 15, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 18, सुपौल में 7, वैशाली में 73 मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में बीते दिन 9,792 कोविड-19 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने भेजे 364 वेंटिलेटर। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 364 वेंटिलेटर मुहैया करवा दिए गए हैं, जिसे डिस्पैच करने का काम पूरा किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही राज्य में बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर पटना, भागलपुर समेत कई जिलों में फिर से बंद लागू करने के निर्णय के मद्देनजर बैठक का आयोजन भी करवाया था। आज राजधानी पटना में लॉकडाउन की शुरुआत। घर में रहे, सुरक्षित रहे। राजधानी पटना में बेलगाम कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हालांकि इस अवधि में जिन सेवाओं को जारी रखा जाएगा उसमें पीडीएस, राशन की दुकान, फल सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली की सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। दुकान 2 शिफ्ट में खोली जाएंगी, जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुले रहेंगे। बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम सेवा पहले की तरह ही जारी रहेंगी। मोबाइल इंटरनेट, केबल सर्विस, आईटी इत्यादि खुले रहेंगे। फूड डिलीवरी भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस की सेवा शुरू रहेगी। भैया आपको बता दें, 10 से 16 जुलाई तक पटना में सरकारी कार्यालय पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हालांकि इसमें पुलिस फोर्स, पेट्रोलियम, आपदा प्रबंधन, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी की सेवाएं शामिल नहीं की गई है। वहीं रेल और विमान सेवाएं चालू रहेंगी। इस दौरान सार्वजनिक वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। पटना यूनिवर्सिटी में जुलाई में होने वाली परीक्षाएं हुई कैंसिल। कोविड-19 ने सभी आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं इसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से सड़कों पर आ गई है, क्योंकि कोविड के प्रसार को देखते हुए मार्च महीने से ही सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से बंद है। और यही कारण है कि जुलाई में होने वाली पटना यूनिवर्सिटी की पूर्व निर्धारित सभी परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर जुलाई में कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन परिसर में भी अनावश्यक प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। किसानों को 50 से 90% तक सब्सिडी देने का किया गया ऐलान। बिहार में किसानों को 50 से 90% तक अनुदान देने की बात कही गई है, जिसकी जानकारी कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि किसानों को अब सरकार ने एकीकृत उद्यान विकास योजना के तहत 50 से 90% तक अनुदान देने की बात कही है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 में राज्य में एकीकृत उद्यान विकास योजना से 1343.80410 लाख रुपए की लागत से क्रियान्वित किया था, जिसके लिए सरकार की तरफ से इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बिहार में मास्क पर खर्च किए जाएंगे 3.80 करोड़ रुपए। बिहार में कोविड-19 की स्थिति धीरे धीरे करके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इसके रोकथाम के लिए कारगर साबित होने वाले मास्क के वितरण के लिए सरकार ने अब नई मुहिम शुरू की है, जिसके तहत सरकार ने मास्क वितरण के लिए 3.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की स्वीकृति दे दी है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम को पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि अपर सचिव राजीव कुमार की तरफ से जारी किए गए पत्र में की गई है। मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए कांग्रेस ने दिया बयान। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के आने के बाद से महागठबंधन में जारी उठापटक के रुकने की संभावना बनती जा रही है। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जल्द ही महागठबंधन में चेहरे का ऐलान किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन दल में न समन्वय समिति को लेकर कोई दिक्कत है और न ही सीटों को लेकर। महागठबंधन में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। यह सब लोग दिल से एक लक्ष्य को पूरा करने में काम कर रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कोविड-19 के माहौल को बताया चुनौतीपूर्ण।
कोविड 19 के इस माहौल में सभी लोग घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी लगातार अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात लोगों की सेवा में मुस्तैद रहते हैं, जिस पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के माहौल और लॉकडाउन का पालन करवाना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। कोविड 19 के इस माहौल में पुलिस विभाग के लिए कई सारी परेशानियां सामने आई है। इस दौरान पटना समेत बिहार की सड़कों पर सिपाही से लेकर एसपी तक अपने कर्तव्य का निर्वहन बखूबी करते आए हैं। सुशील कुमार मोदी के पीए समेत चार लोग मिले कोविड 19 प्रभावित। जहां सुशील कुमार मोदी की कोविड 19 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, वहीं सुशील कुमार मोदी के पीए समेत चार लोगों की रिपोर्ट बीते दिन पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब पूरे वित्त विभाग को सील कर दिया गया। वहीं संक्रमण के बाद वित्त विभाग को सैनिटाइज किया जा रहा है। बता दें कि बीते दिन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना से संक्रमित मिले थे, जिसके बाद लगातार विभाग के लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पटना में खुले पेड कोविड 19 सेंटर। पटना में कोविड 19 की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। लगातार बढ़ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना में बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए दो पेड कोविड सेंटर को खोलने का फैसला सुनाया गया है, जहां पर कोविड 19 मरीजों को हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसके बाद में प्रतिदिन उन्हें 1500 देने होंगे, खाने का अलग से भुगतान करना होगा। बेली रोड स्थित होटल मगध पैलेस और फुलवारी शरीफ में बीएमपी 16 के पास स्थित मगध रीजेंसी होटल में यह सेंटर खोले जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया की तारीख में फिर हुआ बदलाव। नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की सुनवाई के लिए स्थगित होने के बाद अब हाई स्कूल में आयोजित होने वाले शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया की तारीख में बदलाव किया गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर छठे चरण के शिक्षक नियोजन की सुनवाई और प्रक्रिया का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद 25 जुलाई के बीच नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। बिहार में कोविड 19 के मामले बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसके रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य महकमे को मजबूत करने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। मिली जानकारी के अनुसार नई अधिसूचना के मुताबिक बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों की नई प्रतिनियुक्ति की गई है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी में 6 BAS अफसरों को कोरोना संक्रमण के रोकथाम, चिकित्सा प्रबंधन और विभागीय गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने के लिए, वहीं 12 अफसरों को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। कोविड 19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी और SSP को सौंपा गया टास्क। कोविड 19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए अब पटना के कमिश्नर एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके तहत पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने बंद का प्रभावी कार्यान्वयन और कोविड 19 सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी कुमार रवि और SSP धर्मेंद्र शर्मा को काम सौंप दिया है, जिसके तहत संजय कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने का निर्देश जारी किया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव होने से पहले लालू यादव के बाहर आने के दिए संकेत। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं चुनाव की तैयारियां अलग अलग पार्टियों ने शुरू कर दी है। इसी बीच राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव के बाहर आने की खबर भी जोर शोर से सुनने में आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐसे संकेत दिए हैं कि लालू यादव विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ सकते हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान तेजस्वी ने अपने नेताओं को आश्वस्त किया है कि राजद प्रमुख जल्द ही बाहर आएंगे। मैट्रिक और इंटर की डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटियों के सुधार करने की तारीख बढ़ी आगे। बिहार बोर्ड में इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन के लिए डमी कार्ड जारी कर दिया गया था, जिसमें त्रुटि के सुधार हेतु तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। खबरों की माने तो बिहार बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी तरह की गलती नहीं हो इसके लिए यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब छात्र 14 जुलाई तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। रेलवे द्वारा पटना जंक्शन पर करवाया जाएगा कोविड 19 संक्रमितों का जांच। पटना जंक्शन पर अब कोविड 19 प्रभावितों का इलाज करवाया जाएगा, जिसके लिए रेलवे ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। काफी पहले ही ट्रेन की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार किया था। इसमें से 40 कोच को पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर लगाया गया है, जहां पर 640 कोविड 19 संक्रमितों का इलाज होगा। रेलवे ने इन कोचों को तैयार करने के लिए जिला प्रशासन को सौंप दिया है। दोनों प्लेटफॉर्म के दोनों छोर से बैरिकेडिंग होने से कोविड कोच सुरक्षा के दायरे में आ गया है।
मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क आनंद महिंद्रा को भी आए पसंद। कोविड-19 के इस माहौल में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में बाजार में अलग अलग तरह के मास्क के भी तेजी से उपलब्ध देखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मास्क मधुबनी जिले के कलाकारों द्वारा बनाए गए मधुबनी पेंटिंग वाले देखने को मिल रहे हैं, जिसे आम जनता तो खूब ज्यादा पसंद कर ही रही है। आनंद महिंद्रा ने भी मास्क पर पेंटिंग बनाकर कोविड-19 से मुकाबला करने के संदेश की सराहना की है, जिसके तहत उन्होंने खुद भी ट्वीट करके मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क का ऑर्डर देने की बात कही है। श्रम संसाधन और डीएमडी बोर्ड पर पंजीबद्ध श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने की हुई शुरुआत। बाहर से आए प्रवासियों को राज्य में रोजगार मुहैया करवाने की मुहिम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद शुरू कर दी गई है। इसी के अंतर्गत उद्योग विभाग के श्रम संसाधन और डीएमडी बोर्ड कुशल श्रमिकों को प्रदेश की औद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाए गए हैं। इसके अलावा दूसरी योजनाओं के तहत भी प्रवासियों को रोजगार सृजित करवाने का फैसला सुनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 48 क्लस्टर की शुरुआत की गई है। उत्तर बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में घुसा पानी। उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कई जगह पर बागमती गंडक बूढ़ी गंडक का जलस्तर लाल निशान के करीब पहुंच गया है। दरभंगा और मधुबनी में कमला बलान लाल निशान के ऊपर बह रहा है। वहीं गेहुआ नदी का पानी भी कई गांव में घुस गया है, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी में लबालब हो गए हैं। गायाघाट में बागमती में फिर से कटाव शुरू हो गया है। इसमें कल्याणी गांव स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र पर मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ यही नहीं, समस्तीपुर जिले में गंगा लाल निशान के करीब 2 मीटर नीचे है, जबकि बूढ़ी गंगा कौरकरे फिलहाल स्थिर है। विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए पटना हाईकोर्ट में पीआईएल हुई दायर। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर अटकलों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते दिन हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई गई है, जिसमें अधिवक्ता बद्री नारायण सिंह की तरफ से कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण में आम लोगों के साथ ही सरकार भी जद्दोजहद में जुटी हुई है। संक्रमण रोकने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अक्टूबर महीने में चुनाव कराना बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 8.71 करोड़ और गरीबों को छठ तक मुफ्त अनाज देने का दिया आश्वासन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार के 8.71 करोड़ और गरीब को छठ तक मुफ्त अनाज देने का आश्वासन दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम सराहनीय है। इसके साथ ही गरीब महिलाएं अप्रैल मई के साथ मिली राशि से अब 30 सितंबर तक अपने सिलेंडर रिफिल करा सकेंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उक्त फैसला लिया गया है, जो उसके बाद ही बिहार के लगभग 8.71 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पहुंचे जीतन राम मांझी को मनाने। लगातार समन्वय समिति की मांग से नाराज चल रहे जीतन राम मांझी को मनाने के लिए कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बीते दिन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर बातचीत की है। वहीं जीतन राम मांझी से मिलने से पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हम प्रमुख जीतन राम मांझी से मिलने उनके घर जा रहे हैं। आपको बता दें, दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक लगातार बातचीत जारी रही थी, जिसके बाद ही शक्ति सिंह गोहिल ने महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं सीएम को चुनौती देता हूं कि वह कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर बोले। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, जबकि इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि नीतीश जी 100 दिनों तक अपने कम्फर्ट बंगले में सो रहे थे, 4 महीने के शुरुआती लॉकडाउन में कुछ नहीं किया और अब कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। 94 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए लोजपा है तैयार। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा इस बार विधानसभा चुनाव में 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिसकी तैयारी पार्टी ने पूरी कर ली है। लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को 94 विधानसभा सीट की लिस्ट भी सौंप दी है। लोजपा इन सीटों पर पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हो गई है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक का आयोजन करवाया गया, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बोर्ड के सदस्यों के साथ चुनावी रणनीति पर बातचीत की है। इसके बाद ही 94 सीट पर प्रत्याशियों को उतारने का फैसला लिया गया है। मोहम्मद शमी ने लॉकडाउन के दौरान अपने दिनचर्या से जुड़े कई बातों का किया खुलासा। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बीते दिन कई बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लॉकडाउन की वजह से उनके शरीर को आराम मिला है और मजबूती मिली है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं उनकी लय पर विपरीत प्रभाव न पड़ जाए। हालांकि उन्होंने बताया कि उनकी स्थिति महानगरों में रहने वाले खिलाड़ियों से थोड़ी बेहतर है, क्योंकि वो अपने गाँव सहसपुर में खुली जगह में अभ्यास कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है, उनके नाम है हर्षित कुमार पटेल, भाई आशीष, मोहम्मद चांद, संजीत कुमार, नीलो उस्मानी,
आमिर सर, संजय यादव, आंचल कुमारी, गणेश कुमार, दिनेश कुमार, रवि यादव, सनी कुमार, मिंटू कुमार, राजू रंजन, ओम प्रकाश। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन दल की एकजुटता बरकरार रहेगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।